दाल होती है ना, एक तो ब्रश आपका क्लीन होना चाहिए। ब्लैक वी बनाना आता है, ये जो कॉर्नर का एरिया है ना, ये देखिए दिख रहा है आपको सबको, एक ही बार में कलर आ गया आपने नोटिस किया। ठीक है, तो ये कॉर्नर्स पे कॉर्नर में ब्लैक कलर फिल किया और आगे ये सॉफ्ट सा पीच कलर है, ये भी बहुत सुंदर कलर है। अगर किसी को आई शैडो यूज नहीं करना आता वो भी इस प्रोडक्ट के साथ बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हैं मेकअप। और हाइलाइटर कहाँ लगाते हैं हम? हाइलाइटर लगाते हैं ये जो हल्का वाला गोल्ड कलर है, इसको आप लीजिए फिंगर पे, और ये जो आपकी आईब्रो इसका ब्रश आप ऐसे कर सकते हैं, जो पीछे का हिस्सा है ये यहाँ, इसको हम हाईलाइट करते हैं। बस मेकअप में ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, वही इम्पोर्टेंट होता है, और हमारे प्रोडक्ट में बहुत आसानी से ब्लेंडिंग हो जाती है, इसकी अच्छी बात यही है। आई शैडो ना पलकों पे गिर जाता है ना, और अगर आप मस्कारा नहीं लगाते तो आप हाई शैडो आपकी पलके और हल्की दिखाई देती है। तो हल्का सा लाइनर लगाइए, लाइनर आपने सबने देखा है, इट्स अ वेरी गुड पैकेजिंग, अच्छा प्रोडक्ट है, आप पतला मोटा अपनी जरूरत के अनुसार लगा सकते हैं। हल्का सा आ गया, ये जो गैप रह जाता है इस गैप को आप फिल करने के लिए आंख को लिफ्ट करें, रह जाता है ना कई बार ये गैप रह जाता है हल्का सा, आंख को लिफ्ट करें और गैप फिल हो गया। आ गया कितना फाइन और पतला आईलाइनर, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड मस्कारा के बिना आई मेकअप कंप्लीट नहीं होता। मस्कारा जरूर लगाइए, आप खाली भी किसी दिन मन नहीं है ना कुछ लगाने का, दो चीजें लगाइए, लिप ग्लॉस, मस्कारा, ब्लश अगर लगा सकते हैं तो इससे ही आपके चेहरे में बहुत फर्क आ जाएगा। लिपस्टिक में लगाइए, किसी ने हल्का सा लिप ग्लॉस लगाइए सामने देखिए, आई शैडो डस्ट हो जाता है। तो मैंने लैशेस को ऊपर से क्लीन किया, दिख रहा है लैशेस में, तो हमेशा उसको डस्ट करने से हल्का सा मस्कारा लगाने से आपकी लैशेस निकलेगी। mm-hmm.
तो बहुत जल्दी या बहुत क्विकली अपना आई मेकअप इस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं।